पे मुख्यमंत्री की स्थिति ये है कि पद भले ही हो लेकिन कद उस लेवल का नहीं है। कुछ मंत्री हैं जो सीनियर हैं और कुछ मंत्री हैं जो परेशान हैं, कुछ जूनियर हैं वो चुप हैं। जैसे सत्ता मिली उसके बाद में बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी मुझे आज की तारीख में फाइट में ही नहीं दिखाई दे रही है। खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल के बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती, ये साफ है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 28 नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। हालांकि राजस्थान में उपचुनावों के इतिहास की अगर बात करें तो जिस प्रकार से ट्रेंड राजस्थान में चुनावों को लेकर विधानसभा का है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो वैसे ही कहीं ना कहीं मैक्सिमम परसेंटेज उपचुनावों को लेकर है। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो उपचुनावों में जीत हासिल करती है। और अभी तक के अगर हम इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने उपचुनावों में जीत का परचम ज़्यादा बार फहराया है। हमारे साथ में पॉलिटिकल एक्सपर्ट रामगोपाल जाट जी मौजूद हैं। रामगोपाल जी, जिस प्रकार से राजस्थान का इतिहास है, जैसे कि हमने अभी बताया और सबको पता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही अभी तक का ट्रेंड चलता आया है। इसी प्रकार से विधानसभा के उपचुनावों को लेकर भी एक इतिहास राजस्थान में है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है उसको जीत ज़्यादा मिलती हुई नज़र आती है, और उसमें भी परसेंटेज की अगर बात करें तो कांग्रेस का परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन एक मिथक अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में टूटा है। तमाम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के रिव्यूज़ थे, तमाम जो रुझान वगैरह थे, वो सब झूठे साबित हुए और हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल करी। क्या लगता है आपको कि इतिहास को देखते हुए इन उपचुनावों में क्या इतिहास पलटेगा या वापस दोहराया जाएगा? देखिए, आज उपचुनाव की अगर वास्तविकता से बात करें अपन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की सरकार का जो 10 महीने 11 महीने का कामकाज है उस कामकाज के आधार पर इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। राजस्थान में सरकार भी बदली है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला है, लोगों की उम्मीदें भी हुई थी और ये लगा था कि क्योंकि अपराध को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के ऊपर हमलावर थी। लेकिन जैसे सत्ता मिली उसके बाद में बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप चाहे युवाओं को लेकर ले लो, चाहे आप अपराध को लेकर ले लो, इस मामले में अभी तक बीजेपी की तरफ से जीरो रेस्पॉन्स मैं कहूँगा। क्योंकि आरपीएससी भंग करने की बात की थी, अपराध कम करने की बात की थी, ना आरपीएससी भंग हुई है ना अपराध कम हुए हैं, बल्कि बढ़े हैं, 10% उल्टे बढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो एक मंत्रिमंडल का मुखिया होता है और उसके कहे अनुसार मंत्रिमंडल चलता है। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री की स्थिति ये है कि पद भले ही हो लेकिन कद उस लेवल का नहीं है। कुछ मंत्री हैं जो सीनियर हैं और कुछ मंत्री हैं जो परेशान हैं, कुछ जूनियर हैं वो चुप हैं, जो सीनियर हैं वो परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो बड़े काम है वो मुख्यमंत्री के लेवल पे करने पड़ते हैं और छोटे काम वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा ही मामला मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रहा है और मुख्यमंत्री निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान में ये होता है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और अंतिम जो वर्ष होता है उसमें एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी हो जाती है कि कोई भी सरकार संभाल नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, 10 महीने में ही सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ऐसी हो गई है कि आज की तारीख में यदि आप चुनाव कराओ, ये तो उपचुनाव की बात है, आप मुख्य चुनाव भी करवा दो ने, तो बीजेपी बुरी तरह से हार कर सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो उपचुनाव जो है उसको उसी से आप देख सकते हो। अलग अलग सीटों की भी अगर अपन बात करें तो उसके भी आप मायने निकालिए। झुंझुनू सीट है, खींवसर है, दौसा है, देवली उनियारा है और 84 सीट है, ऐसे ही अलवर की सीट है, सलूमपुर है। ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी मुझे आज की तारीख में फाइट में ही नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे झुंझुनू की सीट है, झुंझुनू में बीजेपी हार रही है लगातार। खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल के बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती, ये साफ है। दौसा सीट पर बीजेपी की स्थिति खराब है, यदि आप किरोड़ी लाल मीणा को निकाल दो वहाँ से तो बीजेपी किसी भी सूरत में मुझे जीतती दिखाई नहीं दे रही है। माफ करिएगा बीच में टोकरा, आपने दौसा में किरोड़ी लाल जी की बात कही, तो क्या इस समय जो राजनीति की जो हवा चल रही है दौसा सीट को लेकर स्पेशली, कि किरोड़ी लाल जी के जो भाई हैं शायद उनको टिकट दिया जा सकता है, हालांकि ये बीजेपी की कोर कमेटी का फैसला है, लेकिन जो मार्केट में जो बात चल रही है राजनीति के मार्केट में, तो क्या यही एक वजह है कि दौसा की सीट निकालनी है तो किरोड़ी लाल जी या उनके परिवार में से किसी को टिकट दी जाए?
अगर बीजेपी किरोड़ी लाल जी के परिवार से यानी उनके भाई जगमोहन को टिकट देती है तो ही बीजेपी फाइट में होगी, आप ये तय मान के चलिए। आप किसी दूसरे को टिकट देते हैं तो वहाँ पे फाइटिंग में ही नहीं होगी। कारण ये है कि मुरारी लाल मीणा और सचिन पायलट, इन दोनों का जो गठबंधन है, मतलब ये दोनों हरीश मीणा का है लेकिन दौसा में जो है, इन दोनों की वजह से कांग्रेस बहुत मजबूत है। गुर्जर मीणा दोनों इनके साथ हैं और इस वजह से फाइट बीजेपी की तरफ से केवल किरोड़ी लाल मीणा का परिवार यानी किरोड़ी लाल मीणा ही दे सकते हैं और दूसरा मुझे कोई फाइट देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किरोड़ी लाल जी की क्योंकि बात उठी है, अभी कल शाम का ही एक वाक्या याद होगा और कहीं ना कहीं उस एक वाक्य को कांग्रेस के उस दावे को हवा मिलती है जो कांग्रेस ने अब राजस्थान की भजनलाल सरकार को अभी तक जो पर्ची सरकार कहते हुए आ रहे थे इतने दिनों से, 10 महीनों से, अब एक और नया नाम उन्होंने दे दिया, यू टर्न सरकार, जिसकी एक बानगी हमने कल देखी। हालांकि विभागीय फैसले थे, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना और इस एक फैसले को लेकर यू टर्न सरकार एक नया नाम दे दिया है। जो शिक्षा विभाग में जो तबादलों का जो खेल हुआ था वो 3 घंटे के अंदर अंदर पलट गया। और भी ऐसे कई फैसले, आज गोविंद सिंह डोटासरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कई ऐसे फैसले बताए थे जो इस सरकार में बदले गए हैं या तो 2-3 घंटों में या फिर 24 घंटे के बाद। ये सरकार 10 महीने की सरकार हो गई है और 10 ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने यूटर्न लिया है। 10 फैसले बदलना 10 महीने में, और वो भी सरकारी स्तर पर, केवल किसी विभाग के स्तर पर नहीं है, पूरी सरकार के स्तर पर है। जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो टोटल एक जाति विशेष को टारगेट करके उनको दूर फेंका गया। अब ये किसके स्तर पर हुआ, क्यों हुआ, ये अलग विषय है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा इससे खफा हुए, नाराज़ हुए सरकार से और उन्होंने इस पर कड़ा एतराज़ जताया। शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन सीएमओ में बात की और संगठन से बात की, संघ में बात करनी पड़ी और उस लिस्ट को निरस्त करवाना पड़ा। ये कितना बड़ा मैसेज है कि एक जाति जो वहाँ पर डोमिनेट करती है और उसी के लोगों को उठा उठा के बाहर फेंका जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। ऐसे ही तमाम 10 फैसले ऐसे हैं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो सही कर रहे हैं, यूटर्न सरकार हो गई है। आप हर महीने में अगर एवरेज एक फैसला बदलोगे तो यूटर्न सरकार हो ही जाएगी ऑटोमेटिक। वैसे आप पर्ची सरकार, क्योंकि पर्ची के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है, तो राजस्थान की सरकार की स्थिति बहुत ख़राब है। और संगठन क्या होता है कि जब सरकार होती है ना तो संगठन उसके नीचे दबा दबा सा दिखाई देता है, और मदन राठौड़ ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं है कि संगठन को सरकार के ऊपर दिखा सके या भजनलाल के ऊपर जा सके। तो यहाँ पे जो सरकार का कामकाज है उसी के आधार पर वोट होगा और दौसा में स्थितियाँ बिगाड़ी गई है बनिस्बत। मैं तो ये कहूँगा कल वाली जो लिस्ट है इसकी वजह से बीजेपी और डैमेज हुई है। हालांकि ये जो लिस्ट का काम हुआ है ये वास्तविकता ये है कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं के द्वारा करवाया गया है, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को ही हुआ है। कुल मिला के बात यह है, एक लिस्ट थोड़े दिन पहले या हम कह लें कि सितंबर महीने की अगर हम बात कर लें तो भाजपा जनता युवा मोर्चा की भी एक लिस्ट आई थी जो वो भी कैंसिल कर दी गई। हाँ, तो ये इसी तरह की पहले एक नगर परिषद की लिस्ट आई थी राजनीतिक नियुक्तियों की, तो उन्होंने उनकी तरफ से मिठाई भी बांट दी थी जो उसमें सेलेक्ट किए गए थे इनके द्वारा, बाद में उसको 10 घंटे में ही बदल दिया। तो परिणाम ये हुआ कि जो कार्यकर्ता जो अपनी नियुक्ति पा चुका था उसको लग रहा था कि मुझे राजनीतिक नियुक्ति मिल चुकी है, उसने मिठाई बांट दी, माल्यार्पण हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं इससे। तो यूटर्न सरकार क्या होता है कि केवल अपने कार्यकर्ताओं का ही नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि सरकारी नौकरी में देख लीजिए आप, चाहे बेरोजगारों के फैसले को लेकर देख लीजिए आप, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को नुकसान कर रहे हैं। और ये तय है कि इस उपचुनाव में इसका भी नुकसान होगा, जो दूसरी चीज़ें उसके साथ में ये भी जुड़ती जा रही हैं। हालांकि बीजेपी के कई लीडर से हमने बात करी, आप भी बहुत बारीकी से आप देखते हैं राजस्थान की राजनीति को, वो बार बार जो अपराध वाली जो बात थी उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक के जो अपराधी, बार बार वो एक पेपर लीक के अपराधियों की बात करते हैं कि छोटे जो सरगना थे उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन एक शब्द बार बार हर बीजेपी के नेता के मुंह से, मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुनाई देता है कि अभी बड़े मगरमच्छ आने बाकी हैं। लेकिन जब भी उनसे पूछा गया कि वो कौन बड़े मगरमच्छ है आप नाम बता दीजिए, नाम तो नहीं आते लेकिन बार बार है कि बड़े मगरमच्छ जरूर गिरफ्त में आएंगे। क्या लगता है बड़े मगरमच्छ के पीछे क्या कारण है, क्या सोच है, क्या राजनीति है? ये केवल राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 महीने में आप केवल एक भर्ती की जांच करवा रहे हैं, एसओजी उसके पीछे पड़ी हुई है, पूरी एसओजी लगी हुई है,
सब इंस्पेक्टर भर्ती को आप रद्द नहीं कर पा रहे हैं, जिसके 50 से ज़्यादा कैंडिडेट जेल में जा चुके हैं, उसके कई कैंडिडेट्स के ऊपर आरोप हैं, और उसके बाद उस भर्ती को आप रद्द नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डिसीजन पावर कैसा है ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि मछलियाँ पकड़ ली, मगरमच्छ पकड़ने बाकी हैं। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं, तब बोलते हैं कि अब बड़े मगरमच्छों की बारी है। बड़े मगरमच्छ हैं कौन से? आपने आरपीएससी के 2 मेंबर गिरफ्तार कर लिए, इसके अलावा और कई गिरफ्तार कर लिए। बड़े मगरमच्छ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी ने विपक्ष में रहते आरोप लगाए हैं, उसके हिसाब से बड़े मगरमच्छ मुझे 3 ही दिखाई देते हैं, और उनकी तरफ बीजेपी पहुँच ही नहीं पा रही है। नंबर 1 है खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नंबर 2 हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और नंबर 3 है बीडी कल्ला जो शिक्षा मंत्री रहे थे। इसके अलावा सुभाष गर्ग हैं, सुभाष गर्ग के ऊपर हाथ ऐसे ही नहीं डाल पाएगी बीजेपी, क्योंकि सुभाष गर्ग आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। तो बड़े मगरमच्छ तो मुझे 3-4 ही दिखाई देते हैं, और इनमें से 1 के ऊपर भी ये सरकार हाथ नहीं डाल पाएगी। ये फालतू के भाषणबाजी है। क्या कारण आपको लगता है? आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम लिया, और उनके जो पूर्व ओएसडी रह चुके हैं लोकेश शर्मा, वो सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं न जाने कितनी बार अशोक गहलोत जी का नाम ले चुके हैं। जो फोन टेपिंग कांड जो हुआ था, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे सबूत भी देकर आ गया हूं, और शायद इस बात को भी 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, उसके बाद भी अगर वहां तक हाथ नहीं पहुँच रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? नहीं, हाथ पहुंचना कठिन काम नहीं है। आप SOG को फ्री हैंड देंगे, जो भी जांच एजेंसी है उसको आप फ्री हैंड देंगे, और ईमानदारी से उसकी जांच करवाएंगे। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, किसी तरह की भाषणबाजी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस या SOG वहां पहुंच नहीं सकती, आराम से पहुंच सकती है। सबूत भी उनके पास पक्के होंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। लेकिन राजनीति में अशोक गहलोत एक डायलॉग बार बार देते थे कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस यही गेम खेल रही है। बीजेपी के नेताओं के द्वारा बार बार भाषण तो दिया जा रहा है कि हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। कांग्रेस कह भी रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़िए आप। खुद गोविंद सिंह डोटासरा भी करें, जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लगाए थे इन्होंने, RAS को लेकर, तमाम भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ ये एक कदम नहीं बढ़ा सकते, और बढ़ा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता ये है कि आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना, साबित करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो ये बड़े मगरमच्छ न आज पकड़ में आएंगे, न 5 साल में पकड़ में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये केवल भाषणों में आएंगे बस। 7 सीटों की अगर बात करें उपचुनाव में, तो सलूम्बर सीट कहीं ना कहीं भाजपा की सीट मानी जा रही है अभी वाले समीकरणों के हिसाब से, सहानुभूति फैक्टर को अगर ले लें, और भाजपा का लगभग हर बड़ा छोटा नेता ये बोल रहा है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो 6 सीटें वो खुद बोलते हैं कि ये तो 6 सीट तो कांग्रेस की है, तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन 7 सीटों को जीतने की बात करते हैं, लेकिन कम से कम वो बोलते हैं कि 4 तो हम जीत ही लेंगे, और विशेष तौर पर एक सलूम्बर वो मान रहे हैं कि ये हमारी होगी। देवली उनियारा सीट की अगर मैं बात करूं, तो देवली उनियारा के अंदर किरोड़ी सिंह बैसला जी का नाम बहुत ज़्यादा चलता था। अब उस नाम को लेकर, अपने पिताजी की छाया को लेकर, उनकी छवि को लेकर विजय बैसला जी पिछली बार भी मैदान में थे, इस बार भी हालांकि नाम उनका चल रहा है, सुनीता बैसला जी का भी नाम चल रहा है, और एक नया नाम अभी आया है मार्केट में, वो इस समय की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर का नाम है। इन तीनों नामों की अगर हम बात कर लें बीजेपी की नाम की लिस्ट के साथ में, क्या लगता है आपको इस बारे में? देवली उनियारा सीट पर सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो गुर्जर और मीणा कम्युनिटी के हैं। कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट ये है कि सचिन पायलट एक बहुत बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है। दूसरा वहाँ पर हरीश मीणा है जो पूर्व MLA रहे हैं, तो मीणा और गुर्जर कॉम्बिनेशन वहाँ हो जाता है। अब बीजेपी को अगर इसका तोड़ निकालना है तो इससे बड़ा कुछ करना होगा, और बड़ा जो है मुझे आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे आप विजय भैंसला को लीजिए, सुनीता भैंसला को लीजिए, चाहे सौम्या गुर्जर को लीजिए, ये तीनों ही कांग्रेस के सचिन पायलट और हरीश मीणा का जो उम्मीदवार होगा उससे टकरा पाएंगे, उसका मुकाबला भी कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सलूम्बर सीट की आपने बात की, तो वहाँ पे अमृतलाल मीणा का निधन होने के बाद ये माना गया कि उनके परिवार से किसी को टिकट मिलेगा। बीजेपी के पास वहाँ पर सिर्फ यही एक प्लस पॉइंट है। ईमानदारी से देखें तो भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, ये सिंपैथी का खेल है वहाँ पर। अगर सिंपैथी को भी बीजेपी ने ढंग से केस कर लिया तो ही बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ जीत सकता है, अन्यथा अगर अमृतलाल मीणा के परिवार के अलावा किसी को टिकट दिया जाता है तो मुझे उसमें भी जीत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि
उसका कारण ये है कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पहले भी था और अब फिर से उनका अलायंस हो जाएगा। आदिवासियों का वहाँ पर भी प्रभाव है, यदि दोनों पार्टियाँ मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ भी नहीं टिक पाएगा। हनुमान बेनीवाल का भी आपने नाम लिया था, इंडिया अलायंस के अंदर हनुमान बेनीवाल आरएलपी के साथ में मौजूद है और आज गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हनुमान बेनीवाल का जिक्र हुआ। उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस में हमारे साथ में है, लेकिन यहाँ पर हमारा गठबंधन होगा नहीं होगा ये आला कमान का फैसला है। क्या लगता है आपको कि अगर कांग्रेस इन उपचुनावों में बिना किसी अलायंस के उतरती है, और मुख्यतः मैं हनुमान बेनीवाल की सीट की अगर बात करूं कि वहां पर अगर कांग्रेस और बेनीवाल का गठबंधन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या कांग्रेस वहां से सीट निकाल पाएगी? हनुमान बेनीवाल के बिना वहां पर कांग्रेस की सीट कतई नहीं निकलेगी। यदि इनके बीच में गठबंधन नहीं होता है और त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी वहाँ पर भारी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद हैं और अभी पिछला चुनाव उन्होंने करीब 2,069 वोटों से वो जीते थे। रेवंत राम डांगा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे और संभवतः ऐसा लग रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, अब यहाँ पर समीकरण दूसरे बन रहे हैं। रेवंत राम डांगा का खुद का तो वोट बैंक है वहाँ पर, हनुमान बेनीवाल का भी खुद का वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस का खुद का वोट बैंक वहाँ पर बहुत कम है। तो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस यदि अलायंस करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जीत होगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। यदि इनके बीच में अलायंस नहीं होता है, और इसकी संभावना मुझे इसलिए कम नज़र आ रही है क्योंकि हनुमान बेनीवाल बार बार कह रहे हैं कि मेरा इंडिया अलायंस के साथ अब कोई गठबंधन नहीं है, भले ही डोटासरा कहते हों कि हमारा वहाँ है, जब हनुमान बेनीवाल अकेले सांसद हैं और कह रहे हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है तो नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। इस एक सीट की लड़ाई ये है कि हनुमान बेनीवाल को नागौर की सीट दे चुकी है पहले कांग्रेस, वो ये सोच रही है कि एक लोकसभा का सांसद हनुमान बेनीवाल का हो चुका है, खींवसर की सीट वो छोड़ दे और वो कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हो जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल किसी भी सूरत में खींवसर की सीट न तो छोड़ेंगे और न ही कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से खड़ा हो पाएगा। तो यहाँ पर केवल यही समीकरण है कि बेनीवाल और कांग्रेस इन दोनों का गठबंधन होगा ही तो ही बीजेपी का उम्मीदवार हारेगा। यदि इनके बीच गठबंधन नहीं होता है, त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से जीत रहा है आज की तारीख में भी। क्या बीजेपी तीसरी बार ज्योति मिर्धा पर भरोसा कर पाएगी? ज्योति मिर्धा देखिए वैसे जो चेहरा है, बड़ा चेहरा है और बड़े परिवार से आती हैं, चुनाव हारी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज्योति मिर्धा का कद फिर भी अच्छा है, और लेकिन मुझे इसलिए दिखाई नहीं देता है अभी ज्योति मिर्धा का टिकट क्योंकि रेवंत राम डांगा काफ़ी कम अंतराल से वहाँ पर हारे हैं, तो बीजेपी ये जोखिम क्यों उठाएगी? दूसरी बात यह है कि ज्योति मिर्धा भी लगातार बैक टू बैक चुनाव हारी हैं तो वो भी इस जोखिम में जाने का प्रयास कम ही करेगी, तो मुझे कम दिखाई देता है उनका जाने का। नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस समय पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय की बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी ने मंच से भाषण दिया था और अपने भाषण में कई सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी और विशेष तौर पर तीन उनके शब्दों की चर्चा हुई थी, पद, कद और मद। इन उपचुनावों की अगर बात करें तो क्या वाकई में वसुंधरा जी की ये सीख बीजेपी अगर मान लेती है तो शायद कंपटीशन में रह सकती है, आपका क्या कहना? वसुंधरा जी को इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी भाव नहीं दिया, यदि वसुंधरा जी विधानसभा चुनाव में भी आगे रहती भले ही ये इनको सीएम नहीं बनाया, लेकिन इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि राजस्थान में वसुंधरा जी का बड़ा चेहरा है और आज भी बड़ा कद है, जनता के दिलों में राज करती हैं, इसमें भी कोई दोहरा ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में यदि ये साथ रखते तो इनकी 115 के बजाय 130-135 सीट होती, मेरा ऐसा मानना है। इस चुनाव में भी यदि बीजेपी ने वसुंधरा को साथ नहीं लिया तो मेरे को तो आज की तारीख में सातों सीटें बीजेपी हारती दिखाई दे रही है। यदि साथ नहीं लिया तो हो सकता है एक दो जगह ऐसी भी सीट हो जाए जहाँ पर जमानत ही जब्त हो जाए। वसुंधरा जी को लेना पड़ेगा इनको, और वसुंधरा जी को लेकर चुनाव ये लड़ते हैं तो ये फाइट में होंगे, दो तीन सीटें ऐसी है जहाँ पर फाइट में हो सकते हैं, तो इनको लेना चाहिए। और लेकिन फिर वो कद और पद की बात आती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के वसुंधरा से जो अदावत है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 2013 से शुरू हुई थी और वो अभी ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, लेकिन ख़त्म हुई नहीं है। राजस्थान की सरकार और संगठन आलाकमान से जो पर्ची आएगी उसी के हिसाब से डिसीजन करेंगे, और वहाँ से ऐसी कोई पर्ची नहीं आएगी कि वसुंधरा राजे को उपचुनाव में आगे किया जाए, तो इसलिए वसुंधरा राजे आगे आज भी नहीं आती हुई दिखाई दे रही मेरे को। कल एक आखिरी सवाल है, कल भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई, उसके अंदर हरियाणा चुनाव में जो अप्रत्याशित भी मैं कहूँगा
जो वहाँ पर बीजेपी को जीत मिली है। तो हरियाणा चुनाव की कवरेज के दौरान फील्ड में हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दी, एक तो बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार, दूसरी कि हरियाणा के नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी जो टीम है, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी को छूने का प्रयास किया और इसमें वो शायद सफल भी हुए, तभी उनको ये मैंडेट मिला। उसी की तर्ज पर एक भर्ती कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया, किया जाएगा आने वाले समय में। ये एक चुनावी स्टंट है या हरियाणा से कुछ सीखने की कोशिश राजस्थान करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हरियाणा को अगर इन्होंने सीखा तो ये बहुत बेहतर होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि हरियाणा में जो नाराज़गी बीजेपी से थी वो केवल मनोहर लाल खट्टर से थी, और मनोहर लाल खट्टर से इसलिए थी कि एक समाज के प्रति मनोहर लाल खट्टर ने बहुत भेदभाव अपनाया वहाँ पर। जैसे ही खट्टर को वहाँ से रिप्लेस किया गया, नायब सिंह सैनी आए, तो वो जो माहौल था वो माहौल बदल गया। नायब सिंह सैनी एक सरल व्यक्ति हैं, संघ से पृष्ठभूमि से आते हैं और एक कार्यकर्ता है, खांटी कार्यकर्ता हैं, लोगों से मिलते हैं। मैंने ये भी सुना है कि रात को 2 बजे भी यदि कोई मिलता है तो परेशानी लेकर तो वो मिलते हैं, जबकि खट्टर के साथ विपरीत था। बीजेपी का जो खांटी कार्यकर्ता है उससे भी मिलने में मनोहर लाल खट्टर को दिक्कत आती थी, तो वो जो माहौल है वहाँ बदला। माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने किया, यहाँ से सतीश पूनिया जी वहाँ गए और उन्होंने संगठन का, उनको बहुत लंबा अनुभव, उन्होंने भी काम किया और इसका परिणाम सुखद देखने को मिला। राजस्थान में यदि वहाँ की चीज़ को अपनाया जाता है, मान लीजिए अगर जो भर्ती कैलेंडर है उसको भी ईमानदारी से लागू कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी की कहूँगा मैं इसको, क्योंकि राज्य में 85 लाख बेरोजगार हैं और जिनको भर्ती कैलेंडर की इंतज़ार था। समय पे भर्तियां होती है, परीक्षा होती है, पेपर लीक नहीं होते हैं, तो ये राजस्थान की सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इसको मानूंगा। ये उपचुनाव तो खैर इसमें निकल जाएंगे, क्योंकि अभी ये घोषणा करे ये उसको भर्ती कैलेंडर को जारी करे या नहीं करे इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें उस भर्ती कैलेंडर का बड़ा महत्व होगा और उसको बीजेपी बुनाने का प्रयास करेगी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए थी कि उपचुनाव में इसका प्रभाव पड़े। उसको लागू करना चुनौती है, क्योंकि किसी चीज़ की घोषणा कर देना अलग बात है, लेकिन लागू करना सबसे बड़ी बात है। यदि इसको घोषणा करके लागू कर देती है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए बहुत प्लस होगा ये चीज़। चलते चलते, क्योंकि भाजपा की सरकार है और उपचुनाव में जैसे कि बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, हमने चर्चा भी करी कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो भाजपा अगर इस उपचुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है, 6 की 6 सीट हो या 3-4 सीट हो, तो ऐसा क्या काम होगा या आपकी तरफ से क्या वो ऐसा मूल मंत्र होगा जो आप भाजपा को, उनके संगठन को, उनके कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान की सरकार में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ठगे हुए दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को सबसे पहले अपने जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाना होगा, उनको सुनना होगा, उनकी समस्याओं को, उन समस्याओं का निदान करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, दिखाना होगा कि सरकार के ऊपर संगठन होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो संगठन सत्ता से भारी होता है। संगठन आज की तारीख में मृतप्राय सा दिखाई दे रहा है। संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा और सत्ता के साथ उसका तालमेल नहीं होगा, तब तक चुनाव जीतना संभव नहीं है। तो मूल मंत्र कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है, सत्ता और संगठन दोनों साथ मिलकर चलें और बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है उसको पूरी तवज्जो दें, उसके पूरे काम होने चाहिए। जिस अपेक्षा के साथ वो 5 साल लड़े हैं वो अपेक्षाएं उनकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में लेके उन्होंने लाठियां खाई है और अब यदि उनको कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो काम क्यों करेंगे। राइजिंग राजस्थान का तो मुझे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि MOU पहले भी खूब हुए हैं। वसुंधरा राजे सरकार के टाइम 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए थे। अशोक गहलोत ने भी 1,36,000 करोड़ के MOU किए थे। ज़मीन पर उतरे ही नहीं, उनमें से 20% ही ज़मीन पर नहीं है। आज ही 15 लाख के या 20 लाख के बोल दो, लेकिन जब तक ज़मीन पर नहीं उतरेंगे MOU तब तक उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। वैसे भी इन MOU का, मान लीजिए MOU उतर भी जाते हैं, तो उसका प्रभाव 5 साल बाद में दिखाई देने लगेगा, तो उसका प्रभाव अभी नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में यदि इनको कंपटीशन करना है इस चुनाव में, तो सत्ता और संगठन को एक होना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर जाना होगा और अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी होगी। ये थे हमारे साथ रामगोपाल जाट जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इन उपचुनावों की वैतरणी को बीजेपी को पार करना है तो सत्ता और संगठन का एक साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ज़मीनी कार्यकर्ता जो पूरे 5 साल नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी के
कहे अनुसार कि बीजेपी 365 दिन चुनाव में ही रहती है, तो वो कार्यकर्ता जो 365 दिन बीजेपी के लिए काम करता है, लोगों से मिलता है, लाठियां खाता है, उस कार्यकर्ता को तरजीह अगर इस उपचुनाव में नहीं दी गई तो शायद जो कांग्रेस कहती है, जो विपक्ष कहते हैं और कई जो राजनीतिक पंडित भी कहते हैं कि इस उपचुनाव में बीजेपी की नैया पार लगना थोड़ा मुश्किल है। अगर पार करनी है तो अपने ज़मीनी कार्यकर्ता को तरजीह देनी होगी और फिर से वही बात कि सत्ता और संगठन का साथ में आना बेहद ज़रूरी है और जातीय समीकरण बिठाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।